सागर सागर सिंह, अरे यार सागर सिंह ये हुए हल्ला मचा के कहा, देखो कैसा गाली शोर मचा रही है। अरे आओ यार तुम्हें बहुत टाइम लगता है सागर सिंह, सागर सिंह का घंटा दो घंटा चाहिए का। अरे भाई अभी नौजवान है, है? अभी नौजवान है। आ, सागर सिंह का बिल्कुल छुट्टा सड़वा समझाओ। आप से लाख कितना से लाएगा? बिल्कुल राम नवमी चंद्रधारी हरिश्चंद्र। सारी जवानी का भूत उतर गया यार, लड़की क्या साली कयामत थी। हाँ यार तुम हो हराम के सागर से, तब से तो साली बहुत शोर मचा रही थी, अभी एकदम गुम हो गई। अरे साली बेहोश हो गई है मेरे यार, बेहोश हो गई। क्या सागर सिंह अपनी हवेली के अंदर है? यदि कोई पुलिस को खबर हो गई तुम फिकर मत करो, साली को उठा करके मैं हवेली के बाहर फेंक देता हूँ। चलो तुम चलकर स्नान करो, हम साली को उठाकर फेंक देते हैं हवेली के बाहर। चलो यहाँ साले बहिरऊ को सुने हो ना जाने, तुरी साले बहिरक। अरे साले अंधा बहिरा दोनों हो क्या? जमींदार साहब ने कहा है हमेली पर राधा बेहोश हो गई है, इसको उठाओ और अपनी गाड़ी में डालो और इसको फटाक से हमेली के बाहर फेंक दो। बात सही है, तो यही का उठाए कहीं हाँ और चुप्पे तुम्हारी गाड़ी में डाल। साले उल्टे पट्टे साले ने कभी निकाल, इसको उठा करके हमेली के बाहर फेंक दे, हम तब तक स्नान करते हैं साले। और जिस पे हमने और विश्वास किया और जिस पे हमने और विश्वास किया भैया राकेश विशाल आवत ही हैं और बिटिया राधा का नाई पई हैं, तो हम को हल्ला करे हैं, बिटिया राधा को हल्ला करे हैं, कत्ता ही का हम समझाए ले ओ कक्को का है भैया का लाए हो, का लाए हो आ ले या ले ओ पर पल्ली यो तो हमारी बिटिया राधा क्या रहा है। हां अब एक बोझ बरसीम काट गई है, बरसीम कहां रहा भाई तुमरे गैया बछरन डारिया या भैया बरसीम कह के काट लाए हो वो बछरा ये दोनों गैया खाए रहे। अब बिटिया राधा कहाँ है? बिटिया तुमरी राधा
ठाकुर कौशल सिंह की हमेली पर गई हैं, सागर सिंह लेके हैं बुलाए गए हैं, कुछ काम होई तब है लेके हैं। सागर सिंह कहाँ का लेके हैं? सागर सिंह लेके हैं ठाकुर कौशल सिंह की हमेली पर बुलाए गए हैं। यो हम कहा सुन रहे हैं? हाँ कोई काम हो ठाकुर कौशल सिंह तो बहुत मादोर चौदह इंसान है, अपने भैया राकेश विशाल देने भी यह बात कैसे बताई बात। अच्छा कक्कू हम चली थी है, तुम जाना तुम्हार जाने का जाओ भैया। पिताजी क्या बात है? पिताजी कहिए बात क्या, क्यों यह कपे शरीर बंद है? हेलो हेलो हेलो, ये माइक है बना है, पीछे साउंड से नवाब तो साउंड हुआ घिरे बैठे कैसे यहाँ वापस बताओ सब है बिल्कुल भी। हेलो पिताजी, पिताजी कही बात क्या, क्यों ये कपे शरीर मुख्यमंत्री क्यों आपका बहन से बेटा तुमसे क्या कहो दिन के पन्हे तीन तेरी माँ की याद में बहन से। पिताजी करना चिंता ठीक ना हाय धरो पिता मन भी रोत देखा आप को अरे मुझे करे बाप। पिताजी तुम्हें क्या हो गया है? और आगे भाई साहब जग्गा अमृतापुर निवासी ये 10 रुपए तुम लोगों की सीट पे दे रहे हैं और कहते हैं कहानी बहुत बढ़िया हो चाहिए। पिताजी तुम्हें क्या हो गया है? कहीं बहन की चिंता तो कहीं माँ का ख्याल। यदि इसी प्रकार से यदि इसी तरह से माँ का ख्याल दिल में रखोगे पिताजी बीमार पड़ जाओगे, हम दोनों भाइयों का पढ़ना बेकार हो जाएगा। राधा बहन कहाँ है बताओ ना, भूख लगी है बहुत जोर। क्या बात भैया, हम साल बहुत बड़ी भूल हो गई। हुआ क्या है? बिटिया राधा कहिया घात काटे पठे रहा घास काटने के लिए तीन दिन से गाय बसरा भूखा रहा। बिटिया गाय घात काटे गई रहे। ये तुमने क्या किया भैया? बढ़ा वो ठाकुर कौशल सिंह तेरी हमेली पर सागर सिंह बुलाए के लिए गवा है। अब है उधर राजेश पाली रही। क्या कहा जमींदार कौशल सिंह की हवेली पे बहन राधा पानी भरने के लिए गई है? वो जमींदार कौशल सिंह लोगों से अपनी बेगार कराता है और जो सब उसका काम करने से इनकार करता है तो बड़ा जुर्म करता है। भैया भैया देखो जमाना बहुत हो बुरा है, चलो हवेली में चल करके पानी भर देते हैं और राधा राधा क्या हो रहा है? भैया
दिन सामने आ गया। जमींदार कौशल सिंह ने गरीब की इज्जत को लूट कर उसे धूल में मिला। मैं जिस गली से निकलूंगा लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आत्महत्या कर लूंगा, जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। भैया हमारे कातिल की जहर को मैं अपनी जान दे। आज विधाता रूठ गया, आज विधाता रूठ गया। भाई बेकार लड़ा, हेलो, कृपया ध्यान दें, जितने लोग स्टेज के पीछे हैं सभी लोग सामने आ जाएं। वहां ना बैठे ना देखना हो तो घर को चले जाएं, लेकिन पीछे से हट जाएं, पीछे से हटो और विजय टीम गांव वाले जाओ अपनी दुकान बढ़ाओ जाओ। चलो तुम लोग पीछे तटे हुआ निकल बैठे नहीं बनते। बहन को दिया हुआ वचन वो भी टूट गया। भैया बहन को हमने वचन दिया था कि बहन तेरी सुहाग की डोली हम दोनों भाई अपने कंधों पे उठाकर तेरी ससुराल को विदा करूंगा। भैया लगता है कि
भगवान ने हमारी आपकी किस्मत में बहन की डोली उठाने को लिखा ही नहीं था। ये भी तो एक डोली है, ये भी तो एक डोली है भैया। वह बहन की सुहाग की डोली होती तो ये बहन की अर्थी की डोली है। बहन की अर्थी की डोली उठाना हमारे ही नसीब में था, इसलिए बहन की अर्थी की डोली को उठाओ भैया। आज पिथाता, आज पिथाता हमसे रूठ गया, भाई बहन का नाता टूट साला सागर सिंह जिसने हमारे ऊपर धोखे से वार कर दिया। सागर सिंह ये वही साला थर्मो किसान जिसके आज तक बोले की औकात नहीं हुई, वो आज के दिन चरों में आकर के तुम्हारे सर पे लाठी का प्रहार। अगर धर्मों ने हमारे ऊपर लाठी का वार किया है तो इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इस साले ने धोखे से हमारे सर पर लाठी मार दिया, इसकी जिंदगी अगर नरक हमने ना बना दिया तो हमारा नाम भी ठाकुर सागर से। साले को एक एक ताले से मोहताज कर दूंगा सागर से। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं,
जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। और धर्मों को बेमौत ना मारा तो सागर सिर में चलूंगा, चाल बैठेंगे जो आज तक ना किसी ने चली होगी। धर्मों तेरे लिए डर डर जमी बदले जहां बदले फलक और आसमां बदले, जमी बदले जहां बदले फलक और आसमां बदले, ये जमाना क्यों ना बदले ने सागर सिंह का। अरे बस कर कहां जाएगा चारों ओर भाई भाई है, अरे बस कर कहां जाएगा चारों ओर भाई भाई है, अरे इधर भी पहले तो उधर भी, मचा दूंगा कयामत में तूफान की लहर बनकर, मचा दूंगा कयामत में तूफान की लहर बनकर, और खाऊंगा जुल्म धर्मुआ पर बिजली के। सागर सिंह मेरे यार, चल करके साले को वो मजा चखा दो जाके भोल करके भविष्य में से कदम न बढ़ाए। मेरे दोस्त कौशल सिंह, इस वक्त धर्मों की फसल कट कर खलिहान में लग चुकी है, इसी वक्त चलकर इसके खलिहान में आग लगा दो, और खलिहान के साथ साथ इसकी झोपड़ी भी जलाकर राख कर दो। जब इसके सारी फसल झोपड़ी चल करके खाक हो जाएगी, रहने का ना ठिकाना होगा, ना खाने के लिए एक दाना होगा, तब हमारी दुश्मनी शाला याद करेगा। लठैतों को आवाज दो, लठैत कहाँ है साले साहब, कहाँ हो रे साले हराम खाऊ, कहाँ मर गए मैदान में खाली हाथ कूद पड़ोगे क्या रे, मैदान में खाली हाथ कूदोगे, लाठी कहाँ है तलवार, और चलो हमारे साथ साले तलवार हाथ में पकड़, और चलो आग हाथ में ले लो, हाथ में आग ही लेकर चला, धर्मुआ की झोपड़ी जला कर राख कर दो, बताओ पैगाम हमारे साथ चला। समय हो चुका है, पिताजी अभी कौशल सिंह की हमें से वापस नहीं आए हैं, मुझे तो बहुत डर महसूस हो रहा है भैया। परमात्मा दे रहे सहारा है, मेरे पिताजी की हिफाजत करना, मदद करना, उस जाने से बचाना। लठैतों कहां मर गए रे, सबसे पहले इसकी फसल में आग लगाओ, इसकी फसल जला। इसकी फसल जला कर रखो, फसल के साथ साथ इसकी झोपड़ी भी चला कर। ठाकुर आज तूने रे मकान और खलिहान को जला करके राख कर दिया, हराम ज्यादा उठा ना सके, दूसरी तरफ पिताजी ने साथ छोड़ दिया।
वहां बेदर्द दुनिया है। आज शालिम जमींदार के जुर्म से सभी लोग तंग हो गए, किसी ने मेरी मदद ना की। आज वो शालिम जमींदार सरा मेरे मकान खलिहान को चला कर राह कर दिया और पिताजी को गोली मार दिया। सब कुछ चल गया, सब कुछ चलकर खाक हो गया, खलिहान भी जलकर खाक हो गया तो घर भी जलकर खाक हो गया। कुछ नहीं रह गया, ना खाने के वास्ते दाना और ना रहने के वास्ते ठिकाना। पिताजी का पिताजी का अंतिम दाह संस्कार कैसे होगा भैया? एक घर में धरा नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं रहता, एक पैसा ही भैया, जो बापू का दाह संस्कार कर सकूं। कहां से आएगा कफन, कैसे पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम होगा भैया? राकेश, जब मृत लोक में इंसान आता है तो वो नंगा होकर के आता है, लेकिन जब यहां से इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके साथ चार गज कफन भी जाता है। भैया, बाबा के लिए तो आज के दिन दो गज कफन भी नहीं है भैया, क्या करूं किस्मत की। यह सवंड पीछे रही है तो आवाज नहीं बढ़ पाई, इधर मैके लगी बढ़ी है सिटिया लगी, ई काटे आगे वाले जो आ रहे तब बढ़ावे तो बढ़ी। जानो ना अब साउंड सर्विस वाले पता ना पीछे का है साउंड धर दे, आज वाले आगे धरे जा रहा पीछे धर दे, मान लो वापसी घुसी। अरे यार इसे सिर्री बनाए हो, खुद की खुद बने हो, वो काटो ये सामने वाले खोलो, देखो भाई जब ये माइक उधर लगी है तो उनकी आवाज में धसी तो सिटी है ना, तुमका आवाज खोले दे, कत्ते सिर्री आदमी हो, कोई है रंडी नचती है जो तुम डीजे बजाए ना हो या माइक बजाओ या हो, डीजे तो बजाओ कि ना है जो पीछे साउंड धर दियो। रेड मारो तुम, अपन तुम्हारे ना हो दूसरों के रेड लगाए पर। सवा सांस दिमाग खराब किए, कुछ बोलते नहीं का है। हम तो अपनी आवाज बोली बा है, ये पीछे वाले बंद कर, आगे वाले खोलो फट तेरे। अब हमको पैरों पर ने कहा कि परे कि ये माइक है तुम्हारी कम पड़ी गई। कोई हम ठाकुर तो बने ना, कूद पर ये बहन चिल्लाई करे। राकेश